इंडियाज की टीम हैदराबाद पहुंची है, एबिट इलाका है और यहाँ पे शादियों के लिए बड़ी बड़ी अम्पाला किराए पे दी जाती है और जुनेद महमूद जी को हम लेके पहुंचे हैं। आपके ज़माने की गाड़ी खड़ी है, आपको कुछ याद आ रहा है क्योंकि आपने भी अम्पाला यूज़ किया है? जी बहुत अच्छा लग रहा है और हैदराबाद की बात में क्या कहूँ, हैदराबाद ने मुझे बहुत प्यार दिया है। और मैं आपको और बताऊँ सलाम भाई कि ये तारीखी शहर है, बल्कि तारीखी कहते ना कि बहुत बड़ी जगह है ये, और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हम सब यहाँ आए हैं। और निज़ाम हैदराबाद बहुत मशहूर शख्सियतें हुई हैं और ये ऐतिहासिक जगह है और मैं इन सबको देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अपने पुराने दिन याद आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और भी पुरानी गाड़ी दिखाते हैं आपको, हमारे कैमरामैन को बोलेंगे जा आगे आइए। हाँ ये देखिए, ये भी गाड़ी अम्पाला है और क्या बोलते हैं, और भी गाड़ी जो देखते हैं शादी के लिए इतने बड़े पैमाने में हैदराबाद में जैसे खड़ी है, ऐसा तो मैंने बहुत से शहर घुमा हूँ जूनियर भाई, लेकिन यहाँ का नज़ारा जो देख रहा हूँ कि हैदराबाद के तो इस तरह से शादी की गाड़ी लाइन से खड़ी है, देखने वाला नज़ारा है। आप क्या चाहे, यहाँ के लोग शौकीन हैं जी, शौकीन हैं, दिलदार हैं और वो चाहते हैं कि भाई जो भी चीज़ हो धूमधाम से हो, और बहुत बहुत मज़ा लेते हैं लोग जीने का, जिंदगी का मज़ा लेते हैं। ये भी एक गाड़ी है शादी के लिए देते हैं हैदराबाद के अंदर, लेकिन दिख रहा है कि वो जो ब्रांड दिख रही है वो गाड़ी वो नहीं है, ब्रांड की नहीं है, शायद मॉडिफाई की हुई है। जी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मॉडिफाई करते हैं और हैदराबाद तो मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। देखिए इतनी सारी गाड़ियाँ हैं हैदराबाद में देखे हैं और आपने हिंदुस्तान के हर हिस्से में घूमे हो, तो इस तरह से नज़ारा और कहाँ देखा आपने? नहीं देखा, ऐसा तो नहीं देखा, झूठ नहीं बोलूँगा, ऐसा नज़ारा देखा ही नहीं और बहुत अच्छा भी लग रहा है और शायद ये यहीं पर ही है, इतनी गाड़ियाँ और कहीं नहीं है। ये शादी है कि हमने इतनी सारी ढेर सारी गाड़ियाँ दिखाई है आपको, और भी हैदराबाद का नज़ारा करेंगे हम और जूनियर भाई को लेके पहुँचेंगे अभी, और क्या क्या अच्छी चीज़ जो हैदराबाद में हम आपको दिखाएंगे हर एपिसोड छोटी छोटी कहानी में। मैं इंडिया आज के लिए जूनियर मूवीज के साथ हैदराबाद से सलाम काजी।